क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमाल नियाजी। आज जो ज्ञापन देने आए किस मामले में लेकर आए? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई है मुहर्रम और ताजीदारी के खिलाफ, आप नहीं कर सकते। देखिए, हमने हमेशा गवर्नमेंट का ताउन किया है, सहयोग किया है। ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ी, बकरीद की नहीं पढ़ी, रमज़ान और जुमा छोड़ दिए, रमज़ान के सारे त्यौहार कर दिए, क्योंकि ये कोविड-19 ऐसा मूजी मर्ज है, इसको हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और आइंदा भी हमारा ताउन रहेगा। लेकिन इमाम हुसैन का जो ये मुहर्रम होते हैं, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये गम का महीना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पेश किए इंसानियत को बचाने के लिए, जुल्म जाती नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन की जंग की। आपने अपने 72 साथियों के साथ करबला में शहादत दी इंसानियत को बचाने के लिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, पूरी संसार की मानवता के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी। और ये ऐसा त्यौहार है जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मनाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, कंडीशनल कुछ शर्तों के साथ हमें घरों में तख्त ताजिए सजाने की और नजर नियाज करने की और करबला में जाके 10 मुहर्रम को ताजिया दफन करने की परमिशन दें, ताकि हमें भारत की बाहर भी, हमारे इंडिया के बाहर हमारे मुल्क की जो इमेज है वो अच्छी जाए।